ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहां तबाही मचाने में है। हेलो गाइस, वेलकम टू एजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के हिंदी ट्रेलर के बारे में। तो ये एक साजिश थी मार्वल स्टूडियो की कि वो पहले इंडिया में मार्वल स्टूडियो इंडिया के पेज पर पहले एक हिंदी ट्रेलर लॉन्च करे, देन उसके बाद सेकंड ट्रेलर लॉन्च करेगा मार्च के महीने में। तो फाइनली अभी लग रहा है कि दो दिन बाद ये ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा, सेकंड ट्रेलर। उसके बाद बात करते हैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में अमिताभ बच्चन के बारे में कनेक्शन क्या है। तो अभी हाल ही में रिसर्च और सोर्स के मामले में ये पता चला है कि अमिताभ बच्चन ने दी है जोस ब्रोलिन की आवाज, यानी कि थैनोस की। तो काफी लोगों को लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने भी सुना है ये ट्रेलर और इससे आवाज बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। तो अभी हाल ही में 2016 में टॉप मूवी डिज्नी की द बीएफजी में अमिताभ बच्चन को आवाज देने का मौका मिला। तो काफी लोगों को लग रहा था कि ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, बट फाइनली ये मूवी बनी थी एक नोवेल पे, जिसमें कि एक बड़ा सा राक्षस था जो कि काफी पॉपुलर था उस नोवेल में। और बॉलीवुड में जब पिक्चर आई तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर का नाम आ रहा था कि इसको आवाज देगा तो सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही देंगे और कोई इस कैरेक्टर को आवाज नहीं देगा। तो फाइनली एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, जिसको यानी काफी लोगों ने लग रहा था कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो बट फाइनली मुझे 100% श्योर है कि अमिताभ बच्चन ने ही जोस ब्रोलिन की आवाज दी है, यानी कि थैनोस की। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको मैं एक प्रूफ देता हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि काफी लोगों को लग रहा था कि द बीएफजी में अमिताभ बच्चन की आवाज लगी नहीं रही है, बट अमिताभ बच्चन की जब वॉइस डबिंग करी गई तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज करी जिससे कि उस जानवर की यानी कि उस जीव की आवाज उससे बिल्कुल मैच करवाई, जो कि काफी बड़ा था। और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज करके ये साबित कर दिया कि अमिताभ बच्चन भी एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो हाँ जी हाँ, तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये कंफर्म होता है कि अमिताभ बच्चन ने ही जोस ब्रोलिन यानी थैनोस की आवाज दी है, जिसके डायलॉग से ये पता चलता है कि इतने बड़े बड़े अच्छे डायलॉग तो हमारे बॉलीवुड में एक बंदा ही बोल सकता है, वो है अमिताभ बच्चन। तो जी हाँ गाइस, मेरी तरफ से 100% कंफर्म है। और देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या विचार है। तो आगे कंफर्म होता है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन ही है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर मिस मार्वल के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।